नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और एक बार फिर से हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शो में हम बात करेंगे इटली में हुए G7 सम्मेलन और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत की। पीएम मोदी इटली के अपुलिया में G7 सम्मेलन में भाग लेकर कुछ देर पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आउटरीच कंट्री के रूप में दुनिया के 7 अमीर देशों के इस संगठन की 50वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर से आमंत्रित किया गया था। पीएम मोदी कल यानी 14 जून को तड़के 2:30 बजे इटली पहुंचे थे और लगभग 24 घंटे वहां गुजारकर पीएम मोदी अब स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान इटली की पीएम मेलनी के साथ उनकी खास मुलाकात भी हुई और पीएम मेलनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी भी ली। हम आपको दिखाएंगे इटली में G7 की इस बैठक में क्या क्या हुआ, पीएम मोदी ने वहां क्या संदेश दिया और किस तरह से भारत इस सम्मेलन के केंद्र में रहा, यह सब हम आपको आगे दिखाएंगे। पीएम मोदी तकरीबन 24 घंटे का दौरा पूरा करके इटली से स्वदेश लौट चुके हैं। इटली के शहर अपुलिया में G7 सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी वहां तमाम नेताओं से मिले, आउटरीच सेशन में अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन सहित उन तमाम देशों के नेताओं से मुलाकात की जो G7 की बैठक में शरीक होने अपुलिया पहुंचे थे। हम आपको दिखा रहे हैं पीएम की इन मुलाकातों की कुछ खास तस्वीरें। पीएम मोदी ने इटली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और भारत अमेरिका के आगे बढ़ाने के लेकर मिलकर काम करते रहने को कहा। तो उन्होंने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ भी बातचीत की। पीएम मोदी ने भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रॉन के साथ भी चर्चा की, लेकिन उनकी G7 शिखर सम्मेलन से हटकर इटली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के समक्ष जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात काफी चर्चा में रही। पीएम मोदी ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की और खबर है कि भारत में 5 ट्रिलियन येन के निवेश के साथ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर चर्चा की। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले और यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वो कैथोलिक धर्मगुरु प्रॉप फ्रांसिस से भी मिले और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स से भी बड़ी गर्मजोशी से के साथ मुलाकात की। वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नायन सहित बैठक में पहुंचे और भी तमाम राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की और वैश्विक और द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की। पीएम मोदी की सबसे खास मुलाकात इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलनी के साथ रही, जिन पर शिखर सम्मेलन की शुरुआत के पहले से भी हिंदुस्तानी संस्कृति का रंग चढ़ा हुआ है। तो इटली में G7 बैठक में हुई तमाम मुलाकातों में जो मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है इटली की पीएम मेलनी से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। जब पीएम मोदी इटली पहुंचे तो जॉर्जिया मेलनी ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते करके किया। स्टेज पर मेलनी और पीएम मोदी हंसते और बात करते नजर आए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शानदार केमिस्ट्री दिखी। वहीं पीएम मेलनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली, जिसकी तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। तो G7 में इटली की पीएम और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की ना सिर्फ दोनों देशों में बल्कि दुनिया भर में चर्चा है। भारत में हुए G20 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ इटली की पीएम के वीडियोस और तस्वीरें खूब वायरल हुई। दिसंबर 2023 में COP28 समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलनी की मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। दोनों नेताओं की सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हुई, लोगों ने देखा और खूब कमेंट्स भी किए। इस सेल्फी को शेयर करते हुए मेलनी ने जो हैशटैग और कैप्शन लिखा वो खूब वायरल हुआ। मेलनी ने लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त मेलोडी। इस तरह इटली की पीएम ने मोदी और मेलनी को मिलाते हुए हैशटैग मेलोडी बना दिया और ये नाम सोशल मीडिया पर हिट हो गया। इससे पहले भी जब वो भारत आई थी तो मोदी को सबसे लोकप्रिय बताया था। पीएम मोदी की खूब तारीफ भी की थी।
तो मोदी और मेलनी पिछले दो साल से पांच बार मिल चुके हैं। नवंबर 2022 में दोनों इंडोनेशिया में हुए G20 सम्मेलन में मिले और इसके चार महीने बाद ही मेलनी भारत के अपने पहले दौरे पर आ गई। फिर दोनों नेताओं की मुलाकात दिसंबर 2023 में COP28 समिट में हुई और आखिरी बार दोनों भारत में हुए G20 की बैठक में मिले। इस दफा दोनों की मुलाकात इटली में हुई है। तो ये भी इत्तेफाक है कि भारत में हुए आम चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार जीते हैं। वहीं इस बैठक से पहले मेलनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनावों में बंपर जीत मिली है। इस तरह माना यह जा रहा है कि इटली में इस वक्त जो भी नेता जुटे हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी और मेलनी सबसे मजबूत स्थिति में है। चुनावों में जीत के बाद मेलनी G7 के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरी है। वहीं G7 की बैठक के लिए भारत को खास न्योता देकर उन्होंने दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास कराया है। असल में इस दौरान भारत और इटली के आपसी रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। तो दो साल के कम वक्त में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा हुई है। साथ ही रक्षा सहयोग का समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। इटली ने भरोसा जताया है कि भारत यूक्रेन के युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है। तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध पश्चिमी देशों के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी अच्छे हैं, लिहाजा पश्चिमी देशों और खासतौर इटली के लिए भारत की भूमिका अहम है। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में G7 की इस बैठक से जंग का कुछ समाधान निकल सकता है। तो अब मुमकिन यह है कि आयोजन कामयाब हो जाए। अगर ऐसा होता है तो पूरे यूरोप में मेलनी का कद बढ़ना तय है और उसमें मेलोडी फैक्टर की जो है वो अहम रोल रहेगा। तो अब खास बात यह है कि भारत भले ही G7 का सदस्य नहीं है लेकिन पूरे एशिया में सिर्फ उसे ही बुलावा जो है वो भेजा गया। पीएम मोदी लगातार पांचवीं बार G7 समिट में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे शहर जो है वो शामिल हैं। इस सम्मेलन में भारत के अलावा इटली ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को आमंत्रित किया। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी G7 की आउटरीच बैठक में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के अधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा, तभी हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। पीएम ने कहा कि भारत AI के लिए राष्ट्रनीति बनाने वाले कुछ देशों में शामिल है, इसके लिए हमने AI मिशन भी लॉन्च किया है। और आइए अब आपको बताते हैं वो बड़ी बातें जो पीएम ने G7 की बैठक में कही और बेहतर दुनिया बनाने, बेहतर भविष्य के लिए G7 को जो संदेश उन्होंने दिया ये भी जान लीजिए। तो पीएम ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, हमें टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने इस वर्ष AI मिशन लॉन्च किया है, इसका मूल मंत्र है AI फॉर ऑल। उन्होंने कहा कि भविष्य में AI को पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, सुलभ और जिम्मेदार बनाने के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात करते हुए पीएम ने पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन शुरू करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के मामले में भारत का दृष्टिकोण चार सिद्धांतों पर आधारित है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। उन्होंने ये भी कहा कि G7 के साथ संवाद और सहयोग जारी रहेगा। तो दुनिया में जंग के माहौल को देखते हुए इटली में G7 सम्मेलन को बहुत अहम माना जा रहा है। संभावना है कि दुनिया के ताकतवर देश मुल्कों के नेता मिलजुल कर समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें पीएम मोदी की भूमिका को भी अहम माना जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भारत के नजरिए से यह भी मौका अहम है। आज पीएम मोदी ने ब्रिटेन, फ्रांस के नेताओं से मुलाकात की, द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी जेलेंस्की से भी मिले और मिलते ही उन्हें गले लगा लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। We'll be right back.
चेहरों पर यह खुशी असल में संबंधों की मजबूती बयान करती है। हाथ मिलाया, गर्मजोशी से गले मिले, यूं मिले जैसे बहुत करीबी दोस्त मिलते हैं। दो देशों के बड़े नेताओं का इस अंदाज में मिलना बताता है कि उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं। फ्रांस हो या ब्रिटेन या फिर यूक्रेन, इनका भारत की दोस्ती पर कितना भरोसा है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन नेताओं की ट्यूनिंग कैसी है। मौका G7 शिखर सम्मेलन का है, जहां सम्मेलन से अलग पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिले, उनसे बात की। उसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। भारत में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है और इस मायने में खास है कि प्रधानमंत्री इटली में ऐसे तमाम देशों के नेताओं से मिल रहे हैं जो रणनीतिक तौर पर भारत के लिए अहम हैं। अपोलिया में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को देखते ही गले लगा लिया। मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट किया, दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा के क्षेत्रों सहित साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। जलवायु कार्रवाई, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी और संस्कृति पर भी उन्होंने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मैक्रों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले। दोनों के निजी रिश्ते में वही गर्मजोशी नजर आई जो पिछले साल सितंबर में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में देखी थी। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैंने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने की काफी गुंजाइश है। हमने रक्षा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने पर भी बात की। मुलाकातों के सिलसिले में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आत्मीयता से गले लगाया। दोनों नेताओं में रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर बातचीत हुई। यूक्रेन इस युद्ध को खत्म करने में भारत की भूमिका को जरूरी मानता है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को रूस यूक्रेन संघर्ष के सभी पहलुओं के बारे में बताया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विवाद सुलझाने और युद्ध रोकने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जेलेंस्की को प्रेरित किया। भारत हमेशा इस पक्ष में रहा है कि यूक्रेन में जारी संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। G7 शिखर सम्मेलन इस वक्त दुनिया में जंग और तनाव के माहौल को देखते हुए बेहद अहम है। इस सम्मेलन में अमेरिका और यूरोप के ताकतवर देशों के साथ भारत की मौजूदगी में इन चुनौतियों का समाधान निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।